वेलकम टू क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग ग्रॉस बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड को डिस्कस करेंगे देखिए टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है इस पर हम पहले एक बहुत डिटेल वीडियो बना चुके हैं सिंपली हम ये कहते हैं कि हमने कुछ सामान भेजा यानी एक्सपोर्ट किया हमने उसके बदले में कितना सामान हमारे पास आया ये हंड्रेड भेजा था 100 यूनिट भेजी थी ये 75 यूनिट आई या ये 80 यूनिट भेजी थी ये 105 यूनिट आई ये टर्म्स ऑफ ये जो कंपैरिजन होता है ये टर्म्स ऑफ ट्रेड कहलाता है इसके अंदर हम देखेंगे बाटर बाटर का मतलब क्या होता है बाटर हम जानते हैं सब लोग गुड्स का जो हम एक दूसरे से एक एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते हैं वो बार्टर कहलाता है तो यहां जो ये यह हम लोग कह रहे हैं कि ग्रॉस बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड वो सिंपली रेशो है बिटवीन टोटल फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट टू द टोटल फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट इन ए गिवन पीरियड इन ए गिवन कंट्री यानी जो हमारी टोटल फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट है इससे हमारा रेशियो निकाला जाता है टोटल फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट हम इन दोनों के रेशो को देखते हैं यानी हम अगर इसको लिखें इसको हटाओ में इसको अगर हम फॉर्मूले में लिखें तो हम इसको क्या रखेंगे टी जी से हम लोग ग्रॉस वाटर टर्म ऑफ ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट मल्टीप्लाइड बाय ये इसका फॉर्मूला होगा यानी अगर हमें टर्म्स ऑफ ग्रॉस बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड निकालना है तो हमें टोटल क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट की देखनी होगी और टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट की देखनी होगी अब यहां पर एक चीज आप ध्यान में रखिए कि हम यहां पर सिर्फ कम्योडिटीज के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को कंसिडर करते हैं यानी बार्टर इन कम्योडिटीज हम यहाँ पेमेंट की बात नहीं कर रहे हैं तभी तो ये ग्रॉस बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड कहला रहा है ना अब जब भी टर्म ऑफ ट्रेड ग्रॉस बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड ज्यादा होगा इसका मतलब ये है कि हमारा जो ट्रेड है वो अच्छी होगी यानी अगर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो हम फायदे में होंगे लॉस होगा तो नुकसान होंगे कैसे सपोज कर लीजिए एग्जाम्पल कि ये जो हमारा क्यू एम क्यू एक्स है ये क्यू एम हमारा हंड्रेड और क्यू एक्स भी हंड्रेड है यानी हमने हंड्रेड क्वान्टिटी इम्पोर्ट की और हंड्रेड क्वान्टिटी हमने एक्सपोर्ट की अब अगर ये बढ़ रहा है तो यानी इसकी वैल्यू बढ़ेगी अब मान लीजिए ये हो गया 200 और ये हो गया 100। यानी पहले हमने 100 दिए थे और 100 ही लिए थे अब हमने 100 दिए और 200 ले लिए तो हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड का मैग्नीट्यूड बढ़ा हमें क्रॉस बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड में फायदा हुआ इसी का अगर उल्टा कर लीजिए पहले ये वाला था अब अगर ये वाला 50 हो गया 50 हो गया ये वाला और ये वही 100 है यानी पहले तो हमें 100 दे के 100 मिल रहे थे अब हम 100 दे रहे हैं और हमें सिर्फ 50 मिल रहे हैं यहां हमारा पार्ट एटम लॉस में जा रहा है ठीक है यानी थोड़ा देकर ज़्यादा अगर हम लेंगे तो यही हमारा ट्रेड बेटर होता है अब बैलेंस कहां पर होती है बैलेंस तो सिंपली एक ही जगह यहां पर हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों बराबर हो फिजिकल क्वांटिटी में बराबर होना चाहिए अच्छा जब हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर है तो यहां पर दो चीजें हो गई एक तो हो गया नेट बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड नेट मैं बाकी शॉर्ट में लिख रहा हूं बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड इक्वल होगा हमारे ग्रॉस बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड से ये हमारा कम्युनिटी बैलेंस है ठीक है और ये ग्रॉस है ठीक है यानी अच्छा ये नेट बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड क्या है ये सिंपल ये भी एक रेशियो है of to that of हमने एक बास्केट को इम्पोर्ट किया और उसी के जरिए एक को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया और इम्पोर्ट किया उनके प्राइसिस में क्या रिलेशन है उसको हम लोग नेट बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड कहते हैं ठीक है तो उस वक्त जब ये हमारा बैलेंस में होता है तो हम ये कह के चलते हैं जो हमारा रिलेटिव चेंज इन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट बास्केट टू कर इंपोर्ट वो हमारा ग्रॉस बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड के बराबर होता है यानी इसको आप एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट मान लीजिए समझने के लिए प्राइसेस में है हमारे यहां रिलेशन उसके लिए होता है लेकिन चूंकि यहां पर हम ग्रॉस बार्टर की बात कर रहे हैं तो हम कंपेयर करते हैं टोटल रिसीट फ्रॉम एक्सपोर्ट इस केस में टोटल रिसीट फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड टोटल पेमेंट फॉर इंपोर्ट इसको याद रखिएगा देखिए हमने यहां पर इस फॉर्मूले को ड्राइव किया ये फिर आएगा अब हम कंपेयर क्या कर रहे हैं हमने कितना दिया रिसीट क्या क्वांटिटी हमें मिली और कितनी क्वांटिटी हमने दी यानी टोटल रिसीट फ्रॉम एक्सपोर्ट टोटल रिसीट फ्रॉम एक्सपोर्ट राइट कंपेयर किससे कर रहे हैं हम इसको इक्वल टू टोटल पेमेंट फ्रॉम इंपोर्ट ठीक है अब अगर आप इसकी बात करें टोटल रिसीट हमारी क्या है टोटल रिसीट क्या है जो हम हमने जो जो पेमेंट किया है यानी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट राइट मल्टीप्लाइड बाय दी क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट हम किसी भी चीज की कैसे निकालते हैं? एक कोई भी प्रोडक्ट है हमने दस सेल किए और दो रुपये उसका प्राइस था पर पीस ठीक है तो हम कैसे निकालेंगे क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस प्राइस कितना है दो कितना हो गया ट्वेंटी वही तो कर रहे हैं प्राइस और क्वांटिटी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया ये किसके इक्वल होगा टोटल पेमेंट फ्रॉम इंपोर्ट यही काम इंपोर्ट में करेंगे प्राइस ऑफ इम्पोर्ट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट ठीक है सिर्फ हम इसको ड्राइव कर रहे हैं हम प्राइसेस को एक तरफ इजुकल्टी के साइड ले लेते ले हैं क्वांटिटीज को इधर लेते हैं तो प्राइस इधर आ जाएगा यानी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट सही ये प्राइसेस को इसके नीचे ले लिया और क्वांटिटी को इसके नीचे ले लिया हमने बात सही है कोई इसके अंदर चेंज नहीं है है अब देखिए ये क्या चीज अगर आप इस चीज को देखें तो ये क्या के निकल कर आ रही है हमारी ये निकल कर आ रही है टी दैट इज कम्युनिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड जो मैंने ऊपर बताया था अभी ये कम्युनिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड निकल कर आ गई और ये क्या है मैंने कहा था ना फार्मूला याद रखिए कि हम क्या कर रहे हैं ये वही वाला फार्मूला है क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट यानी ग्रॉस बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड टीजी ग्रॉस बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड ठीक है आ गया अब आपको तीन चीज दो चीजें मिल गई टीसी और टीजी अब जब ये बैलेंस है मान लीजिए बैलेंस में है हमारा ट्रेड तो क्या होगा सिंपल है हमारा कम्युनिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारा इक्वल होगा ग्रॉस बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड से ठीक है और डेफिशिट के, के केस में क्या होगा डेफिशिट के केस में क्या होगा कम्युनिटी एक्सीड द ग्रॉस और इसका उल्टा हो जाएगा सर प्लस के अंदर सर प्लस में क्या होगा कम्योनिटी कम हो जाएगी और ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड एक्सीड कर जाएगा ठीक है यही तीन कंडीशन आ जाएंगी हमारी कि किस तरीके से हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड काम करता है ठीक है अब यहां पर अच्छा इसको फिर से समझ लीजिए टीसी हमारा जो है कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड है ये हमारा ग्रॉस बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड है सिर्फ इसी के कंपैरिजन से हम इसको लेंगे अच्छा यहां तक अभी जो हमने बात करी है तो हमने एक कम्युनिटी की, की है रियलिटी में कोई भी इकोनॉमी एक कम्युनिटी में तो ट्रेड करती नहीं है वहां तो लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटीज होती है तो वहां क्या होगा हम होगा यही लेकिन वहां हम एक क्वांटिटी की जगह पर सारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी लेंगे अब सारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी हम कैसे लेंगे हम कम्युनिटी इंडेक्स का यूज करेंगे क्या करेंगे हम चेंज इन दर्म्स ऑफ ट्रेड हैव टू बी बिटवीन टू पीरियड कौन से पीरियड होंगे एक बेस ईयर होगा जब हम इंडेक्स लेते हैं तो हम एक बेस ईयर बना लेते हैं और एक करंट ईयर बना लेते हैं और वहां पर हमारा जो ग्रॉस बर्ड टर्म ऑफ ट्रेड होता है वो इक्वल होता है रेशियो ऑफ इंडीसिज ऑफ क्वांटिटीज ऑफ एक्सपोर्ट एंड द क्वांटिटीज ऑफ एक्सपोर्ट यानी यही वाला रेशो जो हमारा ग्रेट टर्म ऑफ ट्रेड होगा ग्रॉस बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड होगा ये हमारा इक्वल कहलाएगा रेशो ऑफ द इंडिसेस, रेशो ऑफ द इंडिसेस ऑफ क्वांटिटीज ऑफ एक्सपोर्ट एंड क्वांटिटीज ऑफ इंपोर्ट ठीक है यानी जो एक्सपोर्ट की है क्वांटिटी की है इंपोर्ट की है उनका जो इंडेक्स वहां पर सिर्फ हम क्वांटिटी को लेकर चल रहे ले थे एक की लेकिन यहां क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट है तो हमने क्वांटिटी ना लेकर हमने इंडेक्स ले लिया है उसकी हमने दोनों की इंडेक्सेज ले ली एक्सपोर्ट की इंडेक्स और

क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट वन ये वन क्या चीज है हमारी ये वन है हमारा बेस ईयर डिवाइड बाय एक मिनट इसको हटा दूं मैं जरा सा डिवाइड क्यू एम वन क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट वन वन क्या है हमारा करंट ईयर डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट जीरो जीरो क्या है हमारा बेस ईयर इसको हम डिवाइड कर देंगे एक्सपोर्ट की क्वांटिटी से क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट करंट डिवाइड बाय दी क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट बेस ईयर ठीक है जब हम इन दोनों से करें जहिर है एंड में इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड से ताकि ये परसेंटेज में आए ठीक है इसी तरीके से हम ग्रॉस टर्म ऑफ ट्रेड निकालेंगे अगर हम एक से ज्यादा क्वांटिटीज को यूज कर रहे हैं और सारी की सारी क्वांटिटीज इंडेक्स के अंदर मौजूद है तो हम पूरे इंडेक्स को या बास्केट को ले लेते हैं और उससे ही हम कंपेयर करते हैं ठीक है अब लास्ट में इसके क्रिटिसिज्म है मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको आप उसको याद कर लीजिएगा किसी भी सोर्स से देख लीजिएगा क्रिटिसिज्म आपको मिल जाएंगे देखिए पहला का क्या है एग्रीगेशन ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल ट्रांजैक्शन हम सारे के यानी हम ग्रॉस बॉर्डर कह रहे हैं ना हम सबको एग्रीगेट कर रहे हैं कर रहे, हैं एक जगह पर ठीक है अब कैपिटल ट्रांजेक्शन अलग होते हैं गुड्स के अलग होते हैं चलो गुड्स और सर्विसेज को भी एक जगह कर लो तो कैपिटल ट्रांजेक्शन तो अलग होते हैं ना अगर हम एग्रीगेट कर रहे हैं तो ये एग्रीगेट सही से नहीं हो पाएंगे तीस, दूसरी बात फॉल्टी इंडेक्स ऑफ वेलफेयर हम यहां पर इंडेक्स लेके चलते हैं लेकिन इंडेक्स कभी कभी आप बहुत ज्यादा हाई इंपोर्ट दिखाता है कभी हाई एक्सपोर्ट दिखाता है इंडेक्स इंडेक्स के अंदर चेंज आता इंडेक्स जो है, है यानी जो हमारी वो कंपेयर करती हुई आती है, तो जो रियलिटी होती है उससे कभी कभी थोड़ी डेविएट कर जाती है आप पूरी तरह से इस केस में आप देखिए पूरी हम इंडेक्स पर भरोसा कर रहे हैं तीसरी चीज प्रोडक्टिविटी को निग्लेक्ट करता है एक्स, को, एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं वो हो रहा है ठीक है हमने एक जगह कह लिया इतना एक्सपोर्ट हुआ इतना इंपोर्ट हुआ कभी कभी ऐसा होता है ना मेरा एक्सपोर्ट बढ़ा लेकिन उसकी वजह थी कि मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया तो मेरी इफिशियंसी ज्यादा थी रिसोर्सेज सस्ती हो गई थी उससे बढ़ गया मेरा तो वहां पर जो ये ग्रॉस बॉर्डर टर्म ऑफ ट्रेड निकल कर आएगा वहां सही नहीं होगा क्योंकि यहां तो एक्सपोर्ट टर्म ऑफ ट्रेड से थोड़ी बढ़ा है मेरी इफिशियंसी की वजह से बढ़ा है ठीक है इसी तरीके से क्वालिटीज को ये चेंज कर देते हैं भाई कभी कभी ऐसा होता है कि डिमांड एंड सप्लाई में फर्क पड़ जाता है क्वालिटी की वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो गई तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा वो टर्म्स ऑफ ट्रेड से थोड़ी बढ़ा है मेरी को उससे बढ़ा है ये चीज़ यहां पर निगलेक्ट कर दी गई ठीक है और सिंपली कैपिटल मूवमेंट को यहां पर निगलेक्ट किया गया है इस थ्योरी के अंदर हम कैपिटल का बात कर ही नहीं रहे हैं कि एक आदमी अगर डायरेक्ट कहीं जाकर इन्वेस्ट कर रहा है किसी कंट्री से उसने किसी फर्म के शेयर्स खरीद लिए हैं बॉन्ड खरीद लिए हैं कोई सिक्योरिटीज खरीद लिए हैं तो वो कहां हम ऐड करेंगे यहां तो हम प्रोडक्ट लेकर चल रहे हैं फिजिकल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो कैपिटल बीच में आ ही नहीं रहा है यहां पर ठीक है तो यही कुछ इसके क्रिटिसिज्म थे जिस पर पॉइंट थे जिस पर ये थ्योरी क्रिटिसाइज की गई आसान है बहुत मुश्किल नहीं है सिर्फ एक जो हम टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात बा, बात करते हैं वो बात आप फिजिकल क्वांटिटी में कर लीजिए तो ग्रॉथस वाटर टर्म ऑफ ट्रेड कहलाता है ठीक है तो कोई प्रॉब्लम हो तो जो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मच